गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू PNMRC ई लर्निंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक एंड दैट इज इरिगेशन ऑफ चैप्टर नंबर 1 एंड दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सो आवर टुडेज टॉपिक इज इरिगेशन। पेज नंबर 7। All living beings need water to live. As you all know that all the living beings need water to live. Water is important for proper growth and development. Water is absorbed by plant roots. अब water absorb कौन करता है? सबको पता है, plant roots उसकी water जो है वो absorb करती है. Along with water, minerals and fertilizers are also absorbed. वाटर के साथ साथ में रूट्स और क्या एब्जॉर्ब करती हैं? आपके मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स। प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर। प्लांट की बॉडी के अंदर नियरली 90% वाटर होता है, मतलब 90% वाटर से बनी हुई होती है प्लांट की बॉडी। वाटर इज असेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। और वाटर इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि जो सीड जर्मिनेट होता है, ग्रो होता है, वो दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ वाटर। न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व्ड इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। अब जो न्यूट्रिएंट्स जो एब्जॉर्ब करती हैं रूट, वो हर पार्ट तक वाटर ही लेकर जाता है। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करेंट्स। इसके अलावा वाटर का और क्या काम है? वाटर का काम है प्लांट को प्रोटेक्ट करना फ्रॉस्ट से, जो धुंध होती है सर्दियों में आ जाती है, आपने देखा होगा वाइट 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 होती है, उससे प्लांट को बचाना, और साथ में हॉट एयर कंडीशन। अगर कंडीशन जो है एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो है जो प्लांट की चारों तरफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा हॉट है, हॉट एयर्स जो हैं उसके चारों तरफ, उससे भी पानी उसको बचाता है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ। इसके अलावा मेंटेन करता है मॉइस्चर सॉइल के अंदर फॉर द हेल्दी ग्रोथ। फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। इसलिए पानी जो है फील्ड्स के अंदर बार बार रेगुलरली डालते रहना चाहिए। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरीगेशन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इरीगेशन स्टूडेंट। द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल दैट इज कॉल्ड इरीगेशन। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। ये टाइम कितने समय के बाद इरीगेशन करना है और कितनी मात्रा में इरीगेशन करना है, ये इस पर डिपेंड करना है कि कौन सा क्रॉप आपने ग्रो किया है, कौन सी सॉइल के अंदर आप इरीगेशन कर रहे हैं और सीज़न कौन सा है। समर्स में ज़्यादा आपको फ्रीक्वेंटली इरीगेशन करना पड़ेगा, इरीगेट करना पड़ेगा फील्ड को, और विंटर्स में कम। इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज़ हायर। वाई इज़ इट सो? Could it be due to the increased rate of evaporation of water from the soil and leaves? Yes. क्यों बार बार समर्स में हमको बार बार फील्ड्स को इरीगेट करना पड़ता है? वो इसलिए क्योंकि गर्मी की वजह से पानी जो है बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, इसलिए जो है प्लांट्स को बार बार पानी की ज़रूरत पड़ती है और हमें उसे बार बार इरीगेट करना पड़ता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट सोर्सेज ऑफ इरीगेशन। द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन आर वेल्स, ट्यूब वेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल्स। कहाँ से हमें पानी मिलता है, कहाँ से हम इरीगेट करते हैं फील्ड्स को, वो सोर्सेज कौन कौन से हैं? वो सोर्सेज हैं वेल्स, ट्यूब वेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल्स। नाउ ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरीगेशन। The water available in wells, lakes and canals is lifted up by different methods in different region for taking it to the field. अब जो water है wells में present है या lakes में present है या canals में present है, उसको lift कैसे, उसे बाहर कैसे निकाला जाता है, उसके लिए अलग अलग method है। कैटल और ह्यूमन लेबर इज़ यूज इन दीज मैथड। पहले ज़माने में क्या होता था कि या तो कोई एनिमल जैसे कि आपका बैल है या आपका कैमल है या बुलक है, उसका इस्तेमाल करते थे, या फिर कोई आदमी का इस्तेमाल किया जाता था आपके वेल्स में से पानी बाहर निकालने का। सो दीज मैथड आर चीपर। तो उस ज़माने में ये मैथड जो थे बहुत ही ज़्यादा सस्ते, चीपर थे बट लेस एफिशियंट, पर उसकी एफिशियंसी जो थी वो बहुत कम थी। The various traditional ways are moat, that is pulley system, पुली के द्वारा
कुएं में से पानी निकाला जाता था और फिर वो घड़े में से बाहर निकाल के और फिर वो जो प्लांट्स हैं उनको वाटर किया जाता था, जैसे कि आप फिगर 1.44A में देख रहे हैं। एक आदमी जो है वो पुली से पानी कुएं में से बाहर निकाल रहा है और प्लांट्स को इरिगेट कर रहा है। सेकेंड इज चेन पंप, जिसे आपने दिखा रखा है चेन पंप फिगर 1.4B में। चेन पंप एक चेन से बाहर एक एनिमल निकालता था उसको पानी को बाहर, और जिसे पानी वेल में से बाहर निकाला जाता था और इस तरह से प्लांट्स को इरिगेट किया जाता था। थर्ड इज ढेकली, जैसे कि ढेकली सिस्टम है जिसमें देख रहे हैं आप फिगर 1.4C। इसके अंदर भी क्या नाम जो है एक जो है बाल्टी बांध रखी है, नीचे एक डंडे से पीछे की साइड में एक क्या है रखा, पत्थर रखा है। बस पत्थर को नीचे किया जो बाल्टी बाहर आ गई, फिर उस बाल्टी से जो है प्लांट्स को इरिगेट किया जाता था। बट ऑल दीज आर मैनुअल वर्क्स। देन राहट लिवर सिस्टम, इसमें किसका इस्तेमाल किया जाता था, बुलक का इस्तेमाल किया जाता था पानी को बाहर निकालने के लिए। पंप, ये सब क्या थे, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन थे। पंप्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर, डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर सिस्टम इज यूज्ड टू रन दीज पंप्स। आजकल क्या है, क्या यूज़ होता है, आजकल यूज होते हैं पंप्स, इलेक्ट्रिक पंप्स, जो किससे चलते हैं, या तो डीजल से या बायोगैस से, इलेक्ट्रिसिटी से या सोलर एनर्जी से चलते हैं, और जो कुएं में से पानी या फिर आपके ज़मीन में से पानी बाहर निकाला जाता है और प्लांट्स को इरिगेट किया जाता है। दीज ऑल आर मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। नाउ मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली। मॉडर्न मेथड में क्या होता है कि जो पानी का इस्तेमाल होता है वो बहुत सोच समझ के इकोनॉमिकली जितना यूज़ करना है उतना ही उसका इस्तेमाल किया जाता है, इकोनॉमिकली यूज़ किया जाता है मॉडर्न मेथड के अंदर। द मेन मेथड यूज्ड आर एज फॉलोज, उसमें सबसे पहले है स्प्रिंकलर सिस्टम। दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। इसका स्प्रिंकलर सिस्टम का कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पर ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर लैंड जो है वो अनइवन है, मतलब एकदम उबड़ खाबड़ है, तो वहाँ पर स्प्रिंकलर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है और जहाँ पर पानी की कमी है। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप आर ज्वाइंट टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल। अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि पिक्चर फिगर 1.5A में दिखा रखे हैं स्प्रिंकलर सिस्टम में, इसमें परपेंडिकुलर एक जो है पाइप जोड़ दिया जाता है जिसके नोजल के ऊपर जो है स्प्रिंकलर लगा होता है, वो स्प्रिंकल घूमता है और चारों तरफ जो क्रॉप लगी होती है उसको पानी मिल जाता है, इरिगेट हो जाती है। वो आर जॉइंट टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल। व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ पंप इट इज़ एस्केप फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल। तो क्या होता है, जैसे ही पाइप में पानी आता है थ्रू दैट मोटर, तो क्या होता है जो नोजल में पहुंचने के बाद में नोजल जो है वो घूमने लग जाती है, जिससे कि ऐसा लगता है जैसे कि फुव्वारा चल रहा है, फुव्वारा जैसा, जैसे आपने कई बार गार्डन्स वगैरह में ऐसा देखा होगा। इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप एज इफ़ इट इज़ रेनिंग, ऐसे स्प्रिंकल होता है पानी जैसे कि बरसात हो रही हो। स्प्रिंकलर्स इज़ वेरी यूजफुल इन लॉन्स, कॉफ़ी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स। और ये कहाँ ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है स्प्रिंकल सिस्टम, जहाँ पर क्रॉप्स लगी हो, जैसे वीट की क्रॉप है या फिर बाजरा है, मेज़ है, ऐसी क्रॉप्स में इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, या फिर कॉफ़ी के प्लांटेशन जहाँ पर हों वहाँ पर इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट मॉडर्न मेथड ऑफ इरीगेशन है आपका ड्रिप सिस्टम। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। देखिए आप पिक्चर 1.5B में पाइप्स जा रहे हैं, पाइप्स हर एक जो है आपके पाइप्स जा रहे हैं, पाइप्स के जहाँ पर भी प्लांट होता है वहाँ पर एक होल होता है जहाँ से ड्रिप बाय ड्रिप पानी उस रूट्स के पास में, प्लांट की रूट्स के पास में ड्रॉप ड्रॉप करके वो पूरा दिन निकलता रहता है और पानी जो है प्लांट्स को रेगुलरली पूरा दिन मिलता रहता है। इससे क्या है, पानी की बचत भी होती है और जो प्लांट्स हैं उनको पानी भी पूरे दिन मिलता रहता है। सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। इट इज़ बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन एंड ट्रीज। ये बेस्ट टेक्निक किस में मानी गई है, जो वाटर जब फ्रूट प्लांट्स होते हैं उसमें, गार्डन्स में और ट्रीज में। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल, इस सिस्टम के अंदर पानी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता।
इट इज़ अ बून इन रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर। ये एक तरह का बून है, एक तरह का हमको भगवान से हमें बून देता है, ऐसे एक बून है कि जहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा पुअर है, कम मात्रा में पानी है, वहाँ पर यह सिस्टम बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो बच्चों आपने पढ़ा, यू हैव रेड अबाउट मॉडर्न मेथड ऑफ इरीगेशन एंड दैट इज़ स्प्रिंकलर सिस्टम एंड नेक्स्ट वन इज़ ड्रिप सिस्टम। टुमारो वी विल स्टडी द प्रोटेक्शन फ्रॉम वीट। सो दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज़ वीडियो स्टूडेंट। वी विल मीट टुमारो विद द रिमेनिंग चैप्टर ऑफ दिस रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अप टिल देन थैंक यू एंड गुड बाय, हैव अ नाइस डे।